साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप सोचते हुए सोते हैं तो नींद में भी आपका दिमाग सोचता ही रहता है, जिससे जागने पर आपको आराम की बजाय थकावट महसूस होती है। दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं उनमें दूसरों की तुलना में दर्द सहने की क्षमता अधिक होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लड़कियां हमेशा मुस्कुराती रहती हैं उन लड़कियों की तरफ लड़के जल्दी आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जो लड़के कम मुस्कुराते हैं उनसे लड़कियां जल्दी आकर्षित होती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं तो उस समय आप बेहतर महसूस करने लगते हैं, अधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखने लगते हैं, जिससे लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से आकर्षित हैं और वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा है तो आप उस व्यक्ति से और भी अधिक आकर्षित होंगे। मनोविज्ञान के अनुसार यदि आप प्रत्येक दिन 5-10 गाने सुनते हैं तो आपकी याददाश्त में सुधार के साथ साथ इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और डिप्रेशन का खतरा 80% तक कम हो जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी से सच्चा प्यार करता हो तो सिर्फ उसकी तस्वीर देखने मात्र से किसी भी प्रकार का दर्द 48% तक कम हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप या श्रृंगार करने वाली होती हैं उन लड़कियों के अंदर यह एक खास बात होती है कि वो हर किसी लड़के को भाव नहीं देतीं।